अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कारवान तालागड्डा इलाके में मुसलसिल आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर कचरे के अंबार हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं। यहीं के लोगों ने क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। उम्मीद है कि जीएचएमसी की जो लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है वो रोकें और आवाम की सेहत के साथ ना खेलें। देखते हैं सपोर्ट। यार ये बाइटिस नहीं है, बोलता हूँ रहने साहब, है को काम है तो अपन को बचे। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम मिल्लत इस्लामिया, तालागड्डा रहमानिया जो मस्जिद है, मस्जिद के बाजू जो कचरा कुंडी है उसमें कचरे का इतना तासुर होया कि पब्लिक मुसलियों को जाने के लिए इतनी तकलीफ़ हो जा रही। यहाँ बल्दिया के लोग जो है ना, हमेशा जहाँ एक कुंडी रखते थे वो कुंडी तो पहले थी, अब तो निकाल ही दिए। और एक क्या बात है, वो तो मुसलिया जा रहे, छोटे बच्चे जा रहे, इतना प्रॉब्लम हो जा रहा है। एक तो वो से और एक तो क्या है, उन्हें भजन जो जानवर मरता है वो भी लेके आके यहीं डाल के, इतनी बदबू हो जा रही कि आने जाने के लिए इतना प्रॉब्लम हो जा रहा है कि यहाँ पर। और मुसलियाँ नमाज को जाने के लिए तो पूरा रोड पे से इधर से उधर किराए से होकर जाना होगा। और एक क्या है, मच्छरों के लिए, और एक तो खुंसियाँ भी इतने आ जा रहे हैं मालूम है, वो घोस है, और मच्छर तो एक सेकेंड बैठने के लिए वो कर दे रहे। और आम तो ये गुजारिश है कि यहाँ पर एक जो कचरा कुंडी थी हमारे बल्दिया के जो कमिश्नर साहब से, मैं अपील कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी एक बैनर चिपका है कि कचरा यहाँ मत डालिए, और ये कचरा डालना है तो उसके लिए कोई गाड़ी लगा दीजिए, उसके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएंगे। हमारी एजेंसी जो काम कर रही है बल्दिया का, बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके लिए हम एक गुजारिश करते हैं कि ये काम करिए। खुदा हाफिज़।